अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज मैं बनाने लगी थी वाइट सॉस पास्ता, तो सोचा क्यों ना अपने देखने वालों के साथ भी इसकी रेसिपी शेयर की जाए। बहुत ही इजी और क्विक रेसिपी है और बनकर बहुत ही यमी लगती है कि बच्चे और बड़े सब लोग इसको खुश होकर खाते हैं। तो आप लोगों ने वीडियो कम्प्लीट वॉच करनी है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी। कमेंट्स में अपने रिव्यूज़ लाजमी दिया करें और जो न्यू मेंबर्स मेरी वीडियो देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलें जी, अपना वाइट सॉस पास्ता बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने पास्ता को बॉईल करना है, जिसके लिए मैंने एक देशी में पानी ले लिया है। उसमें 1 टेबलस्पून में डालूंगी ऑयल के, ताकि हमारा पास्ता जो है वो चिपके ना आपस में। और साथ ही यहाँ पर डाल दूंगी मैं 1 टेबलस्पून नमक। नमक आप लोगों ने शामिल कर देना अच्छे तरीके से और इस पानी को बॉयल होने के लिए रख देना है। जैसे ही पानी में बॉयल आएगा आप लोगों ने इसमें पास्ता शामिल कर देना है। पास्ता बॉयल करना तो मेरे ख्याल से सभी को आता होगा, बहुत ही इजी वे होता है। 8 से 10 मिनट लगते हैं इसको प्रॉपर बॉयल होने में। ये देखिए, हम लोगों ने इसको 8 से 10 मिनट के लिए बॉयलिंग पे रख देना है। पास्ता हमारा यहाँ पर बॉयल हो चुका है अच्छे तरीके से। अब हम इसको यहाँ पर स्ट्रेन कर लेंगे। उसके बाद आपने एक फ्राई पैन लेना है, उसके अंदर आपने 1 to 2 टेबलस्पून ऑयल के शामिल करने हैं। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाए आपने इसके अंदर लहसुन के 2-3 जवे बारीक चॉप करके शामिल कर देने हैं। इनको आप थोड़ा सा फ्राई करेंगे, बिल्कुल आपने ब्राउन नहीं करना, जस्ट 1 से 2 मिनट के लिए इसको जस्ट फ्राई करना है, हल्का सा जैसे शैलो फ्राई होता है। वो करने के बाद आपने इसके अंदर प्याज शामिल कर देना है। यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया था, बारीक चॉप कर लिया है इसको, और इसको भी आपने 1 से 2 मिनट के लिए जस्ट फ्राई करना है। ब्राउन कलर नहीं आपने आने देना, जस्ट टिप्स इसकी ब्राउन होना शुरू होंगी, यह देखें, बस इतना आपने इसको फ्राई करना है। उसके बाद हम लोग इसमें शामिल कर देंगे चिकन। यहाँ पे मैंने चिकन बोनलेस लिया था, थोड़ा सा हड्डी वाला लिया है, इसको छोटे छोटे पीसेस कर लिए थे इसके। अब चिकन को भी हम लोग तब तक फ्राई करेंगे जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता, तब तक हम इसको फ्राई करेंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो चुका है अच्छे तरीके से। चिकन को हमने 3 से 4 मिनट तक फ्राई किया है। उसके बाद इसके अंदर हम नमक शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून। 1/2 टीस्पून मैंने काली मिर्च शामिल की है और 1/2 टीस्पून ही इसमें मैंने चिली फ्लेक्स शामिल किए हैं। इसके अलावा कोई भी मसाले इसके अंदर नहीं जाएंगे, अच्छे तरीके से हम इसकी मिक्सिंग कर लेंगे। चिकन के अंदर जब अच्छे तरीके से मसाला मिक्स हो जाएगा उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे वेजिटेबल्स। यहाँ पे मैंने शिमला मिर्च ली है और गाजर ली है। आप अगर चाहें तो इसमें कॉर्न्स वगैरह भी, बॉयल्ड कॉर्न्स भी ऐड कर सकते हैं, और अगर आप लोग चाहें तो आप वेजिटेबल्स स्किप भी कर सकते हैं। पर अगर आप मेरी रेसिपी फॉलो करेंगे और वेजिटेबल्स ऐड करेंगे तो ये हमारे वाइट सॉस पास्ता में बहुत ही अच्छा फ्लेवर देती हैं। अब हमने इसको वेजिटेबल्स को 5 से 6 मिनट तक के लिए पकाना है, ताकि हमारी वेजिटेबल्स थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएं और तब तक हमारा चिकन भी अच्छे तरीके से कुक हो जाए। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये हमारा चिकन वाला मटेरियल बहुत अच्छे तरीके से बनके रेडी हो चुका है। अब हमने क्या करना है, इसको इसमें से निकाल लेना है फ्राई पैन में से, और जो ऑयल होगा बाकी का उसके अंदर हमने थोड़ा सा 1 टेबलस्पून मैंने ऑयल और शामिल किया है। यहाँ पर अगर आप लोग बटर शामिल करेंगे तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। इसके अंदर हम शामिल कर देंगे 2 टेबलस्पून भर के मैदे के। 2 टेबलस्पून आप लोगों ने शामिल करने हैं, उस क्वांटिटी के हिसाब से आप लोगों ने दूध शामिल करना है। तो यहाँ पर ऑयल में या बटर जो भी आप लेंगे उसके अंदर मैदे को पहले आपने अच्छे तरीके से भून लेना है। ये देखिए, आप अच्छे तरीके से चम्मच चलाते रहें, इसको भूनते रहें, चम्मच आपने चलाते रहना है ताकि इसके लम्स भी ना बने और मैदा आपका नीचे भी ना लगे। मैदा हमारा अच्छे तरीके से यहाँ पर भून चुका है। अब इसमें दूध शामिल करेंगे हम लोग 1.5 कप। दूध आपका नॉर्मल टेम्परेचर का होना चाहिए, रूम टेम्परेचर का, और आप लोगों ने इसको एकदम शामिल नहीं करना बल्कि ग्रेजुअली थोड़ा थोड़ा करके शामिल करना है, ताकि मैदे के आपके यहाँ पर लम्स ना बने, गुठलियाँ ना बने, और आपने आहिस्ता आहिस्ता इसको ऐड करना है। आप देख सकते हैं जिस तरीके से मैं मिल्क इसमें शामिल कर रही हूँ, इसी तरीके से आपने शामिल करना है। पहले आप 1/2 मिल्क इसमें शामिल कीजिएगा। अगर आपको स्पेशल ऐसे प्रॉब्लम हो रही है तो आप इस तरह से ब्लेंडर भी ले सकते हैं, इसके साथ आप अच्छे तरीके से इसको ब्लेंड कर लीजिएगा ताकि इसकी गुठलियाँ ना बन सके। बाकी का भी 1/2 मिल्क मैंने इसमें ऐड कर दिया था। फ्लेम यहाँ पर आपने मीडियम टू लो रखनी है, हाई फ्लेम नहीं रखना, वरना ये बहुत जल्दी गाढ़ा हो जाएगा। अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1/2 टीस्पून इसमें शामिल किया है नमक, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर, और 1/2 टीस्पून ही यहाँ पे मैं शामिल करूँगी चिली फ्लेक्स, और साथ ही इसमें 1/4 टीस्पून मैंने शामिल किया है इसमें ओरिगैनो। ओरिगैनो बहुत ही अच्छा फ्लेवर देता है इसके अंदर, आप लोग लाजमी ऐड कीजिएगा। अब हम इसको मिक्स कर देंगे और मीडियम टू लो फ्लेम यहाँ पर मैंने रखी हुई है। अच्छे तरीके से जब इसमें स्पाइसेस मिक्स हो जाएंगी ना और थोड़ी सी थिकनेस इसमें आनी शुरू होगी, तो फिर हम इसमें ऐड करेंगे अपना चिकन वाला बैटर जो हमने बनाया था। ये देखिए, आप बॉयल्स आने शुरू हो चुके हैं इसके अंदर, थोड़ा सा इसका जो बैटर है, जो वाइट सॉस है, वो हमारी गाढ़ी हो चुकी है। अब हम इसमें चिकन शामिल कर देंगे।
इतने मज़े की खुशबू आ रही थी ना यहाँ पे। अगर आप लोग जस्ट चिकन ऐड करके भी खाएं ना तो ये बहुत मज़े का लगता है। खैर यहाँ पर हम इसको ऐड करेंगे और फ्लेम यहाँ पे बिल्कुल लो कर देंगे, क्योंकि जितनी ज़्यादा इसको फ्लेम लगती रहती है सॉस उतनी गाढ़ी होती रहती है। हमें भी सॉस इतनी ज़्यादा गाढ़ी नहीं करनी है, इसलिए आप बिल्कुल लो फ्लेम कर दें। यहाँ पर चिकन की अच्छे तरीके से हम इसमें मिक्सिंग कर देंगे। ये देखिएगा कितना मज़े का लग रहा है, सिर्फ चिकन डालने से इसकी लुक कितनी अच्छी आ गई है। खैर चिकन की मिक्सिंग करने के बाद अब इसमें लास्ट में बारी आई है हमारा पास्ता ऐड करने की, और पास्ता ऐड करने के बाद तो आप पूछे ही मत, इतनी मज़े की लुक लगती है ना कि देख के मुंह में पानी आ रहा होता है कि हम फौरन इसको खा लें। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने मज़े का ये लग रहा है। वाइट सॉस हमारी बहुत ही मज़े की बनी थी, आप लोग लाजमी इसके अंदर ओरिगेनो ऐड करिएगा। ये देखिए अच्छे तरीके से आपने इसकी मिक्सिंग करनी है। फ्लेम अभी ऑन ही है, मैंने बिल्कुल लो फ्लेम रखी हुई है ताकि पास्ता जो है ना वो भी हमारा अच्छे तरीके से इसके अंदर गर्म हो जाए। तो मिक्सिंग हमारी यहाँ पर हो चुकी है, पास्ता हमारा बहुत ही मज़े का लग रहा है और अब हम करेंगे इसको डिश आउट। तो हमारा यम्मी सा वाइट सॉस पास्ता यहाँ पे डिश आउट हो चुका है। अब इसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा ओरिगेनो और थोड़ी सी चिली फ्लेक्स स्प्रिंकल करेंगे इसकी लुक के लिए। बहुत ही मज़े का लगता है और बहुत ही अच्छा टेस्ट देगा अगर आप इसके ऊपर ओरिगेनो भी स्प्रिंकल करेंगे। तो बहुत ही ईजी और क्विक रेसिपी थी, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। तो आप लोगों ने लाजमी कमेंट बॉक्स में अपने रिव्यूज़ देने हैं कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी है, और वीडियो पसंद आई है तो आपने इसको लाइक और शेयर भी करना है। न्यू मेंबर्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोस आपको मिल सके। अभी मुझे दें इजाज़त, अल्लाह नेगबान, अल्लाह हाफिज़।